अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जहांगीर, मेरे साथ हम आलमगीर, आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। सो गाइस, आज हम आपके लिए हैं बाहुबली 2 के बेस्ट हेड कट सीन। हाँ ठीक है जी, तो ये जबरदस्त किस्म बाहुबली 2 के वो सीन होंगे जो जबरदस्त किस्म के हमें पुरानी जो है ना पुरानी मूवीज के अंदर जो है मूवी के अंदर दोबारा वापस लेके जाएंगे और वो हमें याद ताज़ा करेंगे बाहुबली की। ठीक है, लास्ट नाइट हमने वो देखी 706 देखी और मैंने वैसे वो भी देख ली राधे 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 पूरी देख। कैसी थी? हमारे प्यारे सल्लू भाई ने बहुत कमाल किस्म की चुस मारी। अच्छा, तो चलते हैं। क्यों, क्या वजह? स्टार्टिंग देखी थी, मुझे पसंद नहीं, मैंने छोड़ दी। चलते हैं सबसे पहले वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। भैया वैसे छोड़ो, फिल्म से अलग स्टोरी होनी चाहिए कोई, क्या ख्याल है? हर बार ये छीन लगती है, मार कुटाई थे बस, इससे हटके होना चाहिए। जैसे वो बनाते हैं अंशुमन खुराना, यूनिक कॉन्सेप्ट और अच्छी मूवीज। स्टार्ट बाहुबली। सब्सक्राइब। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। अच्छा? राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही महिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं, तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका महिष्मति जैसा बड़ा नाम। छी, देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है, धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। एंट्री बाहुबली। बाहुबली आ गए। VFX भी बहुत अच्छे हैं, इतना बड़ा बनाया है। अभी जंजीरें तो पता नहीं देना। जैसे भी ये वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज, देव सेना भी वहां दर्शन के लिए आई। तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह कटेगा। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। ये दुस्साहस मेरी सभा में झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए, निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ। मान लिया सेतुपति अपराधी है भी,
तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए? दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए? तुम्हें या महाराज को? या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये दुस्साहस किया तुमने। चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया और तुमने तलवार से। तुम दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। महामंत्री, इस महा अपराध का दंड क्या है बताया जाए। दंड, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। राजकुटुंब से यदि ऐसा अपराध होता है तो उन्हें राजमहल से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए। राजमाता, इस पर अमल किया जाए। तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। ब्राह्मण, भारत के 10 प्रसिद्ध राज ब्राह्मण छोड़ दिया, खत्म हो गया। ओ भाई, मैं सोच रहा था यहाँ पे थोड़ी सी बात करेगा बाहुबली, थोड़ा सा एंजॉय और करेंगे और मूवी को थोड़ा सा लंबा करेंगे। मूवी देखने का मन करना शुरू हो गया फिर से। अच्छा, हाँ यार, ये भी थोड़ा सा बंदा पार्ट टू थोड़ा सा बंदा देखता है ना तो मूवी देखने का मन कर जाता है। बंदा कहता है कि दोबारा से देखा जाए। अक्षर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये एक ऐसा सवाल था जिसने एक 2000 करोड़ का बिजनेस करा दिया। जिसने सही कह सकते हैं आप, 2000 करोड़ का बिजनेस करा दिया, जिसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, और लोग इसको, इस सवाल को जानने के लिए सिनेमा तक पहुंचे, थिएटर तक पहुंचे। ठीक है, पार्ट वन तो लोगों ने घर बैठ के देखा, लेकिन पार्ट टू जो था वो जाके देखा। नहीं, पार्ट वन भी लोगों ने देखा के, लेकिन हाँ, हमने पार्ट वन घर बैठ के देखा तो बहुत ही लाजवाब देखा था। मैं सुना था यार बाहुबली बड़ी लाजवाब मूवी है। ठीक है, तो मुझे याद है हम जो है ना कंप्यूटर वाले के पास उस वक्त गए थे। अच्छा, जाके उससे मूवी जो है ना डलवा के आए थे। ठीक है, वो मून मार्केट से डलवाई थी हमने, याद है? वहाँ से वो पार्ट वन हमने डलवाया जनाब जी। और मैं बाहुबली है, ठीक है, पूरी मूवी देखी, इतना मजा आया। जब एंड हुआ समझ ही नहीं हुआ यार ये क्या एंड है। अच्छा, हाँ यार ये क्या एंड है यार है? उसके बाद मेरी एक जुस्तजू शुरू हुई, क्या इसका दूसरा पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, कोई है पार्ट या नहीं है। ठीक है, फिर यूट्यूब पे सर्च मारना शुरू किया मैंने, देखा पार्ट सर्च मारते पता लगा कि अच्छा पार्ट टू भी आना है। फिर दिल को तसल्ली हुई, चलो फिक्र है। KGF नहीं आया, मैं तो ये सोच रहा हूं। वो तो यार अभी देर है, जून का उन्होंने कहा था, लेकिन अभी जब तक ये कोरोना राधे भाई ने तो जल्दी कर दी, उन्होंने जल्दी कर दी, कोई बात नहीं खैर। ठीक है, चले बहरहाल, जो है ना दूसरा, पर जब दूसरा पार्ट आया ना तो उसका फिर स्टार्टअप यही आया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ठीक है, वो बाहुबली का जो दोबारा से एक सवाल शुरू हुआ, वो एक ट्रेंड किए बड़ा कुछ हुआ। उसने वो जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि लोग के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है ना बढ़ाया, और जो है ना मूवी देखने के लिए जो है ना दोबारा से एक दिल के अंदर जुस्तजू को बिल्ड किया। ठीक है, और वो बढ़ती गई लोगों की, और मूवी आते ही छा गई, आते साथ ही मूवी ऐसी छाई के पास तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई। ठीक है, और बाहुबली छा गई। अब देखते हैं वो KGF 2 में क्या होता है। सही बात है, KGF 2 का बड़ा वेट है हमें। KGF 2 में अब देखते हैं कि क्या क्या सीन होने वाला है। ट्रेलर तो भाई बहुत टीजर है, अभी टीजर था, टीजर तो छा गया है। टीजर भी 3 मिनट का, 2-3 मिनट का था, ट्रेलर क्या होगा। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गया टीजर, 150-200 मिलियन व्यूज दे गया।